हेलो दोस्तों, क्रिकेट फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम से 7:30 बजे से भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। इस टेस्ट मैच में भारत ने अब तक 4 विकेट खोकर 288 रन बना लिए हैं। विराट कोहली का यह 500वां टेस्ट था और 500वां टेस्ट खेलते ही वह इन टॉप 5 बल्लेबाजों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस को पछाड़ा है। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन स्टेडियम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ना सिर्फ टीम इंडिया की पारी को संभाला बल्कि अपने 76वें शतक के करीब पहुंच गए। एक समय था जब भारत 182 रनों पर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। तब कोहली ने रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई और दिन का खेल समाप्त होने तक विपक्षी गेंदबाजों को विकेट नहीं दिया। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने भी उनका भरपूर साथ दिया और यह दोनों दिग्गज अंत तक नाबाद रहे। कोहली 87 तो जडेजा 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन है। कोहली ने अपनी इस पारी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने इस मामले में साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस को पछाड़ा है। किंग कोहली इस सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद शामिल होने वाले दूसरे भारतीय बने। विराट कोहली के नाम अब 500 इंटरनेशनल मैचों में 25,548 रन हो गए हैं। इस दौरान उनका औसत 53.67 का रहा। वहीं कैलिस ने अपने कैरियर में खेले मैचों में 49.10 की औसत के साथ 25,534 रन बनाए थे। विराट कोहली के आगे अब इस सूची में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के अलावा कुमार संगकारा, रिक्की पोंटिंग और महिला जयवर्धने हैं। क्रिकेट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।